फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडीज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जैसे चलना फिरना, खाना, और इंटरनल एक्टिविटीज़ हमारे जो ऑर्गन्स के फंक्शंस वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करना है। जैसे लाइक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, ब्लड ब्लड सर्कुलेशंस को कंट्रोल करने का नर्वस सिस्टम का हम ओवरव्यू देखेंगे। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। नर्वस सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ नर्वे एंड सेल्स। यहाँ सेल्स को क्या कह रहे हैं? न्यूरो सेल्स क्या कर रहा है? डेट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये क्या कर रहा है? मतलब मैसेज, जैसे मैसेज का क्या काम कर रहा है? जैसे किसी भी मैसेज को स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन को पहुंचा रहा है। जैसे हमने लाइक एग्जांपल ले लिया, मैंने हाथ किसी गर्म चीज़ पे रखा, जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया। इससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये कोई गर्म लूप्स है, तो हम इस पर हमने क्या अपना हाथ रखा, तो ये क्या कर रही है? जैसे मैंने हाथ रखा तो वहाँ पे ये मैसेज हमारा इस तरह से मतलब सेंस करते हुए हमारा क्या स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन पे जा रहा है, और ब्रेन वहीं से सिग्नल को भेज रहा है कि अपना हाथ हटा लो, ये गर्म है, हटाने का सिग्नल भेज रहा है थ्रू लाइक। यही एग्जांपल है। और नेक्स्ट हम अगले ऑर्गेनाइज ऑफ नर्वस सिस्टम को बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करूँगा। देखो, तो ये स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम्स का। अब इसमें हमारा नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये देखो, ये जो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? टू, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन क्या होता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को। और ये क्या होते हैं? बाकी जो होते हैं वो मैसेज को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब ब्रेन से ले जाते हैं और ब्रेन को उस जगह पे, जिस जगह पे एक्शन लेना है उस जगह पे मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं बाकी। और तो हम और जो स्पाइनल कार्ड कनेक्ट किससे होती है? ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड वर्टिकल्स कॉलम में प्रेजेंस होती है। वर्टिकल कॉलम में स्पाइनल कार्ड प्रेजेंस होती है। हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हम थोड़ा सा वो देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम पहले कंसिस्ट ऑल द नर्वे आउटसाइड द ब्रेन एंड क्रेनल्स नर्वे एंड स्पाइनल नर्वे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रेन जो आउट ऑफ क्या है, हमारा ब्रेन से, तो उसमें क्या नर्व्स होती हैं, उसकी नर्व जो सेल्स होती हैं वो हैं क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो, और स्पाइनल्स में हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब हम जो पेरिफेरल के टू नर्वस सिस्टम होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। इनवॉलंटरी मूवमेंट जो ऑटोमेटिकली, मतलब जो ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो रहे हैं उनको हम देखते हैं। जैसे लाइक हमारा ऑर्गन्स हमारा, जैसे हार्ट बीट है, रेस्पिरेटरी है, ये क्या रेस्पिरेटरी और डाइजेस्ट ट्रैक है, ये क्या रहा है? कुछ ऑटोमेटिक क्रिया, मतलब जैसे फूड्स को अगले पहुंचाना या ब्लड हमारी हार्ट बीट्स को वो करना। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नीचे टू पार्ट्स होते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरापैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर द सडन स्ट्रेस। ये क्या कहने का तात्पर्य यह है, जैसे प्रिपेयर बॉडी को प्रिपेयर करती है, जैसे कोई
प्रिपेयर करती है। जैसे मान लिया कोई सडनली कोई जैसे कोई मान लिया जैसे हमारी हार्ट बीट्स जैसे हमने कोई शेर या कुछ को उसे देखकर हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाना और उसको मतलब प्रिपेयर करती है। पैरापैथिक नर्वस सिस्टम क्या कर रही है, प्रिपेयर फॉर द बॉडी रेस्ट। बॉडी जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है, जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है तो उस टाइम एनर्जी को स्टोरेज रखती है कि बाद में उसे यूटिलाइज के लिए उसे स्टोर रखी रहती है। लास्ट हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल और वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स। जैसे हमारा हाथ का उठना और हमारा चलना फिरना ये हमारे क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और वीडियो और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है और इसका और भी अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।